व्हाट अ फीलिंग गाइस। ये देखिए ये गई। कब स्टार्ट हो रहा है अपना ये रोपवे आप बता। ऑसम यार ऑसम। देखिए हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं। वैष्णो माता की जय। जय हो हनुमान जी की। जो कृपा इन्होंने आज दिखाई है हमें इस रोपवे में बैठाकर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनदर व्लॉग। गाइस बहुत लंबे समय के बाद में आखिरकार अपन पता है कहां पर आ चुके हैं। जो जयपुर की जनता इंतजार कर रही थी, आप रील्स में देख रहे थे, इंस्टाग्राम पे देख रहे थे, जानते हैं वो क्या लोकेशन है, पीछे पढ़ लो। आज जयपुर का जो पहला रोपवे ही कहलाएगा ये, क्योंकि इससे पहले वाला जो था वो रोपवे अभी बंद है। तो ये जयपुर के लोगों के लिए एक नया गिफ्ट लेकर के आए हैं। तो ये आप रोपवे जो देख रहे हो, ये जो इसकी फुल डिटेल देने वाला हूँ मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट पूरा, कि भाई साहब ये वीडियो इस इंफॉर्मेशन पे होगा कि किस तरीके से ये रोपवे चलने वाला है, क्या चार्जेस रहेंगे इसके, इसकी क्या मतलब जो फुल डिटेल हो सकती है वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। तो आइए दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों ये रहने वाला है टिकट विंडो, आप देख सकते हो ये टिकट विंडो रहेगी, यहाँ से आपको टिकट लेना होगा। अंदर आप देख सकते हैं अशोक जी हैं, ये आपको टिकट अवेलेबल कराएंगे। आप थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन है वो इन सर से पूछ लेते हैं। तो सर कब स्टार्ट हो रहा है अपना ये रोपवे आप बता सकते हैं? 15 तारीख से ऑन हो रहा है। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, अभी ट्रायल चल रही है। 150 पर पर्सन चार्जेस रहेगा, बच्चों का 75 चार्जेस रहेगा। ओके, जीएसटी अलग से लगेगा। और इसके अंदर कुछ ऐसा है कि ये रोपवे बीच में रोका जाएगा ताकि आसपास में दो बार बीच में रुकेगा, कुछ सेकंड के लिए रुकेगा, वहाँ पे आप सेल्फी फोटोग्राफी कर सकते हो। और पूरा मंदिर का जो कोले का हनुमान जी का मंदिर है उसका पूरा व्यू दिखाई देगा, तो सुंदर सा व्यू का पूरा वीडियो वगैरह बना सकते हो। ये रहेगा। और टाइमिंग क्या रहेगी अपने इसकी? 9 से 9, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे। अच्छा, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक 12 घंटे। थैंक यू सर। तो गाइस ये आपको मालूम पड़ गई है इन्फॉर्मेशन कि 15 तारीख से ये रोपवे स्टार्ट हो रहा है, सुबह 9 से रात के 9 बजे तक रहेगा। अपना 150 रुपीज़, जैसा कि अशोक जी ने बताया कि यहाँ का चार्जेस रहने वाले हैं। और आप मेरे पीछे बहुत बड़ा बोर्ड देख रहे हैं, इसके अंदर फुल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फुल इन्फॉर्मेशन खोलूँगा, एक बार कैमरा आगे लेकर आइए, ये देखिए फुल इन्फॉर्मेशन खोले के हनुमान जी रोपवे जयपुर, ठीक है। और ये देख लीजिए इसमें जो फैसिलिटीज़ रहने वाली है वो यहाँ पर सब लिखी हुई है, कि यहाँ टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर, रिफ्रेशमेंट्स, एक्सेस टू माता वैष्णो देवी का मंदिर बना हुआ है ऊपर, वहाँ भी आप जा सकते हैं। यहाँ सनसेट पॉइंट मिल जाएगा आपको, सेल्फी पॉइंट मिल जाएगा, जंगल ट्रेल मिल जाएगा, मतलब बढ़िया नज़ारे देखने को मिल जाएंगे। और साथ में आपको बीच में रुक करके नज़ारों को एंजॉय करने के लिए सब कुछ मिल जाएगा। 456 मीटर की जो रेंज है उसको एंजॉय करने के लिए, मतलब जयपुर का ये फर्स्ट रोपवे होगा जो सिटी के बिल्कुल करीब होगा। यानी जयपुर के अगर आप किसी भी कॉर्नर से यहाँ पर आ रहे हैं तो अराउंड 15 किलोमीटर के रेडियस में से आप बहुत ईजिली यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो आइए और आपको चलते हैं, दिखाते हैं चेयर कार जिसको बोलते हैं रोपवे, वो कैसा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए गाइस ऊपर की साइड में आप देख सकते हो केबल कार ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ पे अभी ट्रायल चल रहा है, आप देख सकते हो। अभी आपको ले जाकर के अंदर दिखाएंगे केबल कार कैसी होती है, क्या नहीं होती है, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आइए चलते हैं फटाफट से जहाँ से इसका संचालन होने वाला है, जहाँ से आप बैठ करके जाने वाले हैं। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, यहाँ पर अगर आप चल भी नहीं सकते, अगर आप व्हील चेयर से आ रखते हैं तो आपके लिए देखिए रैंप बनाया गया है पूरा प्रॉपर, आराम से व्हील चेयर से बैठकर आइए और सीधे ऊपर तक आपको गाड़ी भी ले जा सकती है। एक बार दिखाइए ये देखिए, और बाकी यहाँ पर बनी हुई है स्टेयर्स, तो आप स्टेयर से जाना चाहते हैं तो फुल फैसिलिटी रखी गई है, हर बुजुर्ग से लेकर के बच्चे का सबका ख्याल रखा गया है। तो आइए चलते हैं और दिखाते हैं आपको ऊपर के नज़ारे। तो गाइस ये देखिए पीछे की साइड में आप ये देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर आपको टिकट लेकर के आना होगा और आपको यहाँ पर ही पूरा का पूरा जो नज़ारा देखने का मौका मिलेगा, केबल कार में बैठकर घूमने का मौका मिलेगा, वो आपको सब कुछ यहाँ से मिलेगा। आप देख सकते हो पीछे की साइड में, वो देखिए ऊपर की तरफ दिखाइए एक बार, वहाँ से देखिए ये आ रही है केबल कार रोपवे। और ये देख लीजिए भाई साहब, ये हैं गार्ड साहब, ये आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे रखे गए हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए, आपका काम आसानी से हो जाए। और ये बात करते करते ये देखिए केबल कार नीचे आ चुकी है। तो गाइस ये देखिए हम अंदर की तरफ आ चुके हैं, इस तरीके का एरिया आपको या जहां बैठ सकते हैं। पीछे देखिए ये मशीन लगी हुई है बड़ी सी, इस मशीन के थ्रू ये पूरे मोटर है, इसके थ्रू ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं, ऑटोमेटिक है, राजस्थान का पहला रोपवे है जो ऑटोमेटिकली चलेगा। आइए और दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहां से आप देख
तो ये है रोप वे, ये देखिए चेयर का केबल कार को देखिए, पास से आकर दिखा देते हैं आपको। ये देखिए कुछ इस तरीके की दिखाई देती है गाइस, ये देख सकते हो आप, ये रहने वाली है आपकी केबल कार। ये देखिए कुछ इस तरीके की यहाँ पे सिटिंग रहेगी और इसमें व्यू, अभी ये जो रैप लगा हुआ है इसमें ये हटाया नहीं गया है, ये हट जाएगा बाद में, तो आप इसमें से भी मस्त नज़ारों को एंजॉय कर पाएंगे। देखिए रेड कलर के अंदर है, अंदर एक लाइट भी लगी हुई है आप देख सकते हैं, और यहाँ से विंडो में देखिए ऊपर की साइड से स्पेस भी दिया हुआ है जिससे अंदर एयर फ्लो भी काफ़ी अच्छा रहे। ये इसके डोर्स हैं जो आप देख रहे हो, ये डोर लगे हुए हैं, ये क्लोज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, और ये विंडो है इसकी, ये देखिए ये विंडो है जिसे आप अंदर से कंट्रोल कर सकते हैं, आपको ओपन रखना है इसमें बैठ करके, आप कर सकते हैं अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी। तो ये है जयपुर का फर्स्ट रोप वे जिसमें आप कर जर्नी। और गाइस सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं आपको, जिस रोप वे में आप बैठे हुए हैं, जिस टाइम मुझे देख रहे हैं इसके अंदर बैठे हुए, ये राजस्थान का सबसे बड़ा रोप वे होने वाला है, बहुत सबसे बड़ा। तो आप जयपुराइट्स के लिए ये बहुत न्यूज है जो मैं आपको अभी मेरे ब्लॉग्स के जरिए मैं दे रहा हूं। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत जर्नी जिसे आप जल्द ही एंजॉय कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, ये देखिए वहाँ से वो कंट्रोल करेंगे, जैसे ही वहाँ से वो बटन प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली सिग्नल मिल जाएगा, और ये देखिए ये केबल कार निकल जाएगी। तो देखिए इस टाइम पे हमारे पीछे ये जो केबल कार आ चुकी है, रोप वे आ चुका है, इसमें बैठ के हम आपको दिखाने वाले हैं जयपुर के फर्स्ट टाइम आप देखने वाले हो वो नज़ारा, सीधे ऊपर से रोप वे के अंदर बैठा करके आपको वो नज़ारा दिखाने वाले। तो आपका इंतज़ार भी ख़त्म कराते हैं और आइए दिखाते हैं नज़ारे कैसे रहने वाले। So guys, हम बैठ चुके हैं खोले के हनुमान जी रोप वे के अंदर इस टाइम पे, और आप देख सकते हैं नज़ारे, ये देखिए यहाँ से उन्होंने सिग्नल दे दिया है, ये देखिए उन्होंने सिग्नल दे दिया है और ये रोप वे निकल पड़ा है अपने सफर के लिए। देखिए तो किस तरीके का रहने वाला है ये सीन, ये गेट क्लोज नहीं होंगे, अच्छा अब होगा, ये देखिए ऑटोमेटिकली गेट क्लोज हो गए हैं, क्या बात है भाई साहब, देखिए काफी एक्साइटमेंट भाई साहब, मैं खुद सच्ची बता रहा हूँ जयपुर का मैं पहला ऐसा इंसान होगा जो ये वीडियो लेकर के आ रहा है और ये नज़ारे आपको दिखा रहा है, भाई क्या एक्साइटमेंट है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना वो सेम एक्साइटमेंट मेरी भी है और आप लोगों की वजह से ही मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। ये देखिए पीछे व्यू देखते जाइए आप, क्या गजब दिख रहा है, और ये देखिए विंडो, ये विंडो अभी ओपन है, इसके अंदर से हम आपको दिखाते हैं, देखिए बाहर क्या नजारा है बॉस, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं नजारे उतने ही कमाल के होते जा रहे हैं, पूरा व्यू देखिए, और वो देखिए हम इस तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऊपर जाते जा रहे हैं, और भाई साहब वहां देखिए कितना ऊपर आ चुके हैं, वहां से हमने जर्नी शुरू करी थी और इस टाइम पे हम ऊपर आ चुके हैं, व्हाट ए फीलिंग बॉस, व्हाट ए फीलिंग, अमेजिंग, देखिए मतलब शब्द नहीं है, मैं कितनी बार आपको ये जताऊं कि जो ये फीलिंग है ना बहुत ही ऑसम फीलिंग है भाई, ऊपर पहुंच चुके हैं, देखिए क्या नजारा, वो देखिए खोले के हनुमान जी मंदिर, देखिए ये देखिए वो देखिए पीछे एक देखिए केबल कार नीचे गई, हमने उसको ड्रॉप कर लिया, देखिए वो देखिए खोले के हनुमान जी मंदिर दिखाई दे रहा है यहाँ रोपवे से, बहुत ही खूबसूरत, और ये देखिए हम ऊपर पहुंच चुके हैं और सनसेट है ये सबसे बड़ी बात है, और पीछे की साइड में भी मंदिर दिखाई दे रहा है, इस साइड में आप देखोगे तो नेचर दिखाई देगा पूरा जंगल, जो जंगल का मैं मजा बोल रहा था आपको, देखिए इधर मैं बैठ कर दिखा देता हूँ, यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे देख रहे हैं भाई साहब, नीचे मंदिर, जय हनुमान जी, देखिए खोले के हनुमान जी के दर्शन आपको इतनी ऊंचाई से होगी, देखिए कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, हम कितनी हाइट के ऊपर बैठे हैं इस टाइम पे, देखिए मौसम मौसम, और ये शायद हम पहुंच चुके हैं, अच्छा ये तो शायद गाइस अब आएगा सेल्फी पॉइंट, बॉस सेल्फी पॉइंट दिखाएंगे हम आपको इतनी हाइट से, और शायद यही है वो सेल्फी पॉइंट, यहाँ पे रोपवे को रोका गया है इस टाइम पे ताकि आप लोग आराम से सेल्फी ले सके, पीछे मंदिर देखिए क्या नजारे हैं, ये देखिए गाइस दूसरा रोपवे, वो देखिए हम इसे क्रॉस कर रहे हैं, ये देख सकते हो आप, अभी उसके ऊपर थोड़ी सी कोटिंग लगी हुई है ताकि स्क्रैचेस ना हो, ताकि आप लोग आए तो आपको एकदम फ्रेश फ्रेश फील आए, देखिए ये जा रही है, ऑसम यार ऑसम, देखिए हम कितनी हाइट पर आ चुके हैं, ये जो नज़ारा है ना गाइस
मैं इनको अपने शब्दों में उतना बयान नहीं कर पा रहा हूँ जितना मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, और दिल से जो खुशी मिल रही है ना, इसके लिए वीडियो को इसी टाइम पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। सो दोस्तों, अब हम ऊपर वैष्णो देवी मंदिर भी पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं वैष्णो देवी मंदिर के लिए निकल चुके हैं, तो इसीलिए वैष्णो माता की जय। तो देखिए, ये जो एक्साइटमेंट है ना, मैं आप लोगों को ओवर एक्साइटेड लग रहा होगा, लेकिन जो बात है ना वो दिल की यही बात है। जय हो हनुमान जी की, जो कृपा इन्होंने आज दिखाई है हमें इस रोपवे में बैठा कर आप लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए, उसके लिए भी मैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा। और वैष्णो माता ने दर्शन करने के लिए हमें सबसे पहले इस रोपवे में बैठा करके आप लोगों को जर्नी दिखाने का मौका दिया, उसके लिए भी मैं आप सबका भी धन्यवाद कहूंगा। भगवान का तो धन्यवाद है ही है। और आप देख सकते हैं पीछे की साइड के नजारे, जितना मैं कहूँ उतने शब्दों में ये बयां करना बड़ा मुश्किल चीज है और मुश्किल बात है। सो गाइस, ये देखिए क्या नजारे देखने को मिल रहे हैं, खूबसूरत सीनरी, और ऊपर से देखिए एक और केबल कार, अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए ये आ गई। ओहो, व्हाट ए फीलिंग गाइस, ये देखिए ये गई, अमेजिंग। अभी हम आए हैं, जाएंगे तब जाने वाले नजारे भी दिखाएंगे, अभी ऊपर जाने वाले नजारे दिखा रहे हैं। व्हाट ए फीलिंग, वो देखिए वो सेल्फी पॉइंट था जो आपने देखा, अभी देख लीजिए वो नीचे की साइड में वो सेल्फी पॉइंट। और ये हम पहुंच चुके हैं ऊपर, पीछे दिखाइए एक बार, पीछे दिखाइए जनता को। तो गाइस ये देखिए, ये अमेजिंग फीलिंग हमने लिए यहाँ पर आकर के। जयपुर की जो खूबसूरती है उसमें चार चांद लगा दिए गए हैं, और ये खूबसूरत सफर को हमने बहुत ही दिल से इंजॉय किया है। अभी हम थोड़ा सा बाहर निकल के दूसरी केबल कार के अंदर आगे जाकर के बैठते हैं, ताकि आपको और अच्छी जर्नी फील करा सके। आगे जाने चलिए, आइए। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी आपको ये चेयर्स मिल जाएगी, ताकि आप आराम से यहाँ पर बैठ सकें और एंजॉय कर सकें और इस माहौल को फील कर सकें। आइए देखिए, यहाँ से देखिए वो फील इस रोपवे का। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जयपुर के न्यू एडवेंचर एक्टिविटीज जो आपको देखने को मिलेगी वो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए पीछे की साइड में गई कार, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तैयारी पे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय गाइस। आंधी बारिश में अगर आप ये सोचकर आ रहे हैं कि आपको रोपवे में जर्नी करने का मौका मिलेगा, तो इसकी उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि जब भी बारिश आंधी होगी तूफान होगा तो इसका संचालन नहीं होगा, तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा।